आईपीएल ऑक्शन 2024 में कुछ ही दिन बाकी हैं और सीएसके फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ा खुलासा किया है और सीएसके फ्रेंचाइजी तीन बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को टारगेट करने की तैयारी में है। चाहे अंबाती राइडू हो या बेन स्टोक्स, इनकी कमी तो पूरी होगी ही। इसके अलावा तीन बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भी चेन्नई टारगेट करने की तैयारी में है। जबकि दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी एक ओपनर खिलाड़ी की भी तलाश में है। आखिर तीन ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक ओपनर खिलाड़ी की चेन्नई को क्यों पड़ी जरूरत, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या डीवॉन कौन भी आईपीएल नहीं खेलेंगे, इसको लेकर हम इस पूरी वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ही कट्टर सीएसके वाले हैं भैया, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आने वाले ऑक्शन में चेन्नई वाले तीन ऑलराउंडर खिलाड़ी और एक विस्फोटक ओपनर खिलाड़ी की तलाश में। लेकिन आप कहेंगे कि ओपनिंग जोड़ी में तो ऋतुराज गायकवाड़ और डीवॉन कॉनवे मौजूद है, फिर चेन्नई क्यों ओपनर की तलाश में? तो आप वजह जानकर भी हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इस बार चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में 6 स्लॉट ही खाली है, यानी कि चेन्नई वाले केवल 6 खिलाड़ियों को ही ऑक्शन से खरीद सकते हैं। इसके अलावा 3 भारतीय और 3 विदेशी खिलाड़ियों को ही सीएसके फ्रेंचाइजी अपने स्क्वाड से जोड़ सकती है और सीएसके फ्रेंचाइजी एक ओपनर सहित 2 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को टारगेट करके अपनी बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी को कतई जहर बनाना चाहेगी, जिसमें पहला नाम डेरेन मिचेल का सामने निकल कर आया है, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और डेरेन मिचेल अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, जो नंबर 4 और नंबर 5 पर आकर खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि मिचेल पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अगर हम बाती राइडू और बेन स्टोक्स की कमी पूरी करनी है तो सीएसके फ्रेंचाइजी डेरेन मिचेल की तरफ जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी ओपनर खिलाड़ी के तौर पर ट्रेविस हेड को भी टारगेट कर सकती है, क्योंकि दोस्तों चेन्नई की स्क्वाड में केवल ऋतुराज गायकवाड़ और डीवॉन कॉनवे ही ओपनर है और चेन्नई के पास कोई बैकअप खिलाड़ी के रूप में ओपनर मौजूद नहीं है। यानी कि किसी कारणवश कोई ओपनर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म या चोटिल हो जाता है तो सीएसके की ओपनिंग का रायता फैल सकता है। ऐसे में चेन्नई ट्रेविस हेड को एक बैकअप खिलाड़ी के तौर पर टारगेट कर सकती है, जिनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं महाशय ने वर्ल्ड कप 2023 हमसे छीना था, लेकिन ये क्रिकेट है और ऐसा होता रहता है, और चेन्नई वाले ट्रेविस हेड को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी की नजरें पैट कमिंस पर भी हैं, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं और खासकर गेंदबाजी काफी शानदार करते हैं, और महिषा पाथीराना फिलहाल अपनी चोट से परेशान है, तो ऐसे में चेन्नई पैट कमिंस को भी टारगेट कर सकती है। लेकिन आपके हिसाब से क्या सीएसके फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी या नहीं करेगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।